आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की छोले रोटी। ये है चावल का आटा जो कि मैंने 5 मिनट पहले भिगाने डाल दिया था, और अभी आप देख सकते हैं ये इतना पतला है। मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलाया था ताकि ये थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, एक चुटकी अजवाइन। अजवाइन से क्या है कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा आसानी होती है और ये टेस्ट को भी बढ़ाता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, मैंने आधा चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप बना रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ थोड़ी सी मिर्ची। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे और फिर हम तैयारी कर लेते हैं अपने पैन चढ़ाने की। और ये मैंने अपना पैन भी चढ़ा लिया है। पैन चढ़ाने के बाद हम कर देंगे गैस की फ्लेम ऑन। अभी आप देख सकते हैं ये कितना पतला मैंने बनाया हुआ है। जितना पतला होगा ये तवे में घुमाने में आसानी होगी और उससे पतली पतली रोटियां हमारी बनेगी, मोटी रोटियां नहीं बनेंगी। अगर आपका भी बैटर थोड़ा मोटा हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं ये कैसा पतला पतला सा हुआ है। ये बनाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी है। और अब हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। हम इसे घी में बनाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा तवा कितना गर्म है। और इसमें हम अब अपना बैटर डालेंगे जो हमने बना रखा है पतला सा, और इसको गोल एक जगह पे डालने के बाद गोल घुमाएंगे, इसको अच्छा सा सेव देंगे गोल। इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और देखेंगे ये चिपका तो नहीं नीचे, और इसे पलट देंगे। ये मेरा बहुत अच्छे से बन गया था, टूटा भी नहीं, वरना कभी कभी टूट जाता है। और मैंने इसे अच्छे से घी डाल के पका दिया है।